नशा नहीं मिलेगा तो भाई बेहतर होगा, जो नशा नहीं होगा तो अलहमदुल्ला सा नवा मशा। के पास जो ऑर्डिनेटर है वो मौजूद है, सेंजेस में पानी डाल के ये पता है अभी कोई उन्होंने पूड़िया पड़ी, वो क्या डाल दो मुतबादल क्या है आपके पास? वो जो पाउडर है वाइट वाइट क्रिस्टल उसको बोलते हैं, वो पानी में डाल के वो मिक्स करते हैं, वो लगाते हैं, लगाने के बाद वो जैसे डिम हो जाते हैं ऐसे एक दो घंटे के बाद उनको होश आती है। हम तो ये कहेंगे इमरान खान को कि ये जितना भी नशा ना पाकिस्तान में से बंद करे, बस पिछला घर जो है ना पीछे से बंद हो, बस कैसे बंद हो सकता है? मेरे ख्याल में तमाम अदारों को फातवाई एक पेज पे होना पड़ेगा फिर बंद होगा, इसमें महकमा हेल्थ पुलिस जितने भी अदारे हैं वो एक पेज पे होंगी, उसके बाद बंद होगा। लेकिन बात यह है कि बड़े बड़े जब वो सरगना हों, जब जो बड़े स्मगलर हैं जिसमें हुकूमती लोग भी शामिल हैं, जो बात ये 130 अरब डॉलर की मार्केट है सालाना जिसका ये बिजनेस हो रहा है और इसके पीछे बड़े बड़े टाइकून है। ये अफगानिस्तान जितनी पोस्ट इसकी कास्ट होती है वो 1990 ईस्वी जितनी हो उससे 3 गुना इजाफा हो चुका है। अब 90% अफगानिस्तान में इसकी पोस्ट कास्ट हो रही है और जिसका 40% पाकिस्तान में आ रहा है। अब ये देखिए पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ के अफराद जो हैं वो जो नशा करते हैं और उनमें से ऐसे 1 करोड़ के नज़दीक हैं जो कि अफ्यून चर्स का नशा करते हैं, तो बहुत बड़ी मार्केट है। इनको जब तक ये ठीक कह रहे हैं इनका भी है कि जब तक इन पर हाथ नहीं डाला जाएगा इसको पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये लोग बाज नहीं आ सकते। दुल्कर साहब ये लोग सारे कह रहे हैं कि जब तक आप स्मगलर्स को नहीं पकड़ेंगे जो लोग यहाँ तक सप्लाई लेके आते हैं तो हालात मैनेजेबल नहीं होंगे। इन्होंने मिसालें भी दी, इन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोर आपने एक बंद किया तो वहाँ से नशा मिलना बंद हो गया तो हालात बेहतरी की तरफ चले गए। बंद हुए हैं एक नहीं दो तीन मेडिकल स्टोर हैं जो लाहौर में बंद हो गए हैं, मजो स्टेट ने खुद बंद किए हैं। एक तो गंगाराम में है जो वो भी उसको भी सील कर दिया गया है। इलाज का कह रहे ना इलाज मेरा बनोई भी करता है उनका अगो बेटा भी करता नशा मगर उनके कई दफा इलाज कराए ने मगर फिर नहीं बाज आते फिर 2 महीने का खरबूजा देख के रंग पकड़ता है ना। मैं क्यों नहीं करता हूँ, मैं भी तो इधर ही होता हूँ, मैं नहीं करता हूँ आगे फिर वो नशा शुरू ने कर दिया। अल्लाह माफी दे। लेकिन इनको देख के मुझे दुख होता है यार, ये भी भाई है, ये भी मुसलमान भाई है, लेकिन इनका यार को खुदा के लिए उनका सोचें यार, हुकूमत को ये चाहिए सोचें, इनका खुदा के लिए सोचें। ये भी किसी के बेटे हैं, किसी बहन के भाई हैं, किसी माँ के बेटे हैं यार, इनका सोचे यार कुछ खुदा के लिए। बस भाई ये जितना भी नशा बिकता है ना सारा जो पुलिस है या जितनी भी ड्रग इंस्पेक्टर है उनकी मिली भगत से बिकता है, ऐसे नहीं बिक सकता कोई भी नशा। तो ये तमाम अदारे इसमें मुलव्वस हैं, अदारे तो नहीं कह सकते, अफराद कुछ काली बेड़े जो हर महकमे में होती हैं ये मुलव्वस हैं इनको बेचने में। जब तक महकमा हेल्थ वाले या पुलिस वाले जो अफसरान हैं ये काली बेड़ों को नहीं पकड़ेंगे तब तक ये काम होता रहेगा। और आप दें कि अगर जो ग्वाल मंडी में कोई बंदा अगर कोई अहलकार या मुलव्वस है तौर पे मुलव्वस होगा, यहाँ पे उसको पता है कि ये सारा कुछ होता है। या ग्वाल मंडी एक मंशियात की गढ़ है, यहाँ पे नशा पूरे लाहौर में जाता है और बाहर भी स्मगल होता है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? इधर क्या कर रहे हो? अच्छी काम है। अच्छी काम है। गाड़ी साफ करते हो आप? अच्छा, छोटा सा बच्चा देखें जी, तालीम और किताबें और खूबसूरत कॉपियाँ इनके हाथों में होनी चाहिए लेकिन यहाँ सूरत हाल जो है। बात हम कर रहे थे ना सप्लाई, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इनके माँ बाप ये इन फिक्र करते हैं कि हमारे बच्चे बाहर क्या करते हैं, ये भीख भी मांगते हैं और ये गाड़ियों का काम। बेटा क्या नाम है आपका? अलियास। क्या करते हो आप? काम करते। क्या काम करते हो? प्रिंटिंग का। तो पढ़ते नहीं आप? पढ़े बिल्कुल भी नहीं, स्कूल गए एक दिन भी? ये लाहौर का मुस्तकबिल है और लाहौर के मेन में हम खड़े हैं, लक्ष्मी चौक खड़े हैं और दूर उफ्तादा इलाके की बात नहीं कर रहे, लक्ष्मी की ये सूरत हाल है। अच्छा मुद्दत साहब क्या हल क्या है इसका? इसका हल यही है कि रिहैबिलिटेशन इदारा बनाया जाए। और ये जो आप बोलते हैं ये अमेरिका से कॉलेज करके आए जो निदा वाले इतने बड़े जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, इनको चाहिए नहीं, इनको दिल के अंदर पत्थर है या मोम है, ठीक है ना? ये देखिए ये खुद सिगरेट पी रहा है, इसने हाथ पीछे कर लिया है, अभी ये कह रहा था मेरा इलाज कराओ, अभी ये खुद सिगरेट पी रहा है। जब तक आप दिल से इसका फैसला नहीं करेंगे आपने इसको छोड़ना तब तक आप लोग नहीं ठीक हो सकते, जितनी मर्जी हम कोशिशें कर लें। कोशिशें क्यों लड़े? लड़ क्यों रहे बच्चे ना यार, दो निशाही भाई लड़ते बुरे लगते हैं। बहुत सर हमें दो बातों को अभी डिफाइन करना है, सप्लाई रिडक्शन एंड डिमांड रिडक्शन। देखिए ये सारे लोग कर रहे हैं सप्लाई रिडक्शन की बात, सप्लाई रिडक्शन करनी है लॉ इन्फोर्समेंट ने, काम पुलिस है, ANF है, FI है, कस्टम है, सब ने मिलके मेरे ख्याल में सारे इदारे काम तो कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो बात फिर दोबारा आता हूँ डिमांड रिडक्शन पे, इनकी बीमारी नहीं, इनकी साहब अगर ये इदारे काम कर रहे हैं तो ये इतनी जो मनों के हिसाब से मंशियात आ रही है, जो ड्रग्स आ रही हैं,
ये कहाँ से गुजर के आ रही हैं, ये अगर दारे काम कर रहे हों ठीक तो ये फिर गुजर के ना आए, फिर जब लोगों तक सप्लाई ना पहुंचे लोग इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। आप ये बताएं कि दारे काम नहीं कर रहे, दारे पूरे प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। अब एक सेकंड, अभी ये कह रहे हैं ना सारे, क्या क्या जनाब, हमने अहमद मेडिकल स्टोर, आपने और मैंने फास्ट हमने 5 प्रोग्राम किए अहमद मेडिकल स्टोर के बाहर गंगाराम में, क्या किसी ने पकड़ा उसे? हम शोर डालते रहे, लेकिन सवाल ये है आहिस्ता आहिस्ता अदारे अपनी जिम्मेदारियां जब अदा करेंगे नीयत के साथ। ये बीमारी ऐसी है, मैं बताऊँ, ये बीमारी ऐसी है, कुछ नहीं चाहिए हमें, बस इलाज चाहिए, हमारी तंदुरुस्ती चाहिए। अगर आप इधर आकर गुफ्तगू करते ना, आदमी जाकर पता करते हैं अगर, तो हमें सिर्फ अपने इलाज के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं इनका ये इलाज हो गया, इनकी ये बीमारी है, हमें जब ठीक करेंगे तो हम ठीक होंगे ना, जब हम ठीक नहीं होंगे तो। इसमें ये बताएं बुनियादी वजह, बताएं आप लोगों ने नशा क्यों किया? क्यों किया नशा शुरू क्यों किया? अपनी मजबूरी से आदमी शुरू करता है, माँ के पेट से नहीं ज्यादा पर शुरू करके आता है मसलन के, तो अपनी मजबूरी की वजह से शुरू करता है। किसी का मन करता है अपनी जिंदगी बर्बाद करने को? क्यों किया? देखे मैं जो कुछ ना लगाता ना कोई लगता, पता नहीं चलता इंसान का, पहले ठीक है ना, पता नहीं चलता इंसान कब किसी वक्त कौन से मोड़ पे चला जाता है। क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? आसिफ। लड़ क्यों रहे थे आपसे? मैं उससे वो इधर से रहता का, मैं उससे सिगरेट मंगी है तो वो सिगरेट मुझे नहीं दे रहा, कह रहा मैं आप जैसे आदमी को कोल नहीं खिलाता हूँ। मैं क्या क्यों कहता, बस नहीं खिलाता हूँ। मैं क्या आज तुम हाजी हो गए हो? वो उधर से मुझे भैनों की गाली निकालने लग पड़ा। तो आप नशा करते हो जी? क्या पीते हो? पाउडर पीते हो? टीके नहीं लगाते? नहीं, सूंघते हैं। स्नेजिंग करते? हाँ जी, स्नेजिंग करते हैं। तो मुझे ये बताएं, देखना भाई ये वाइट पीछे से खत्म होगा ना, इधर बेचने वाले वो भी खड़े हमें देख रहे हैं पीछे से खड़े कई बंदे जो बेचने जो बेचते ना इधर, जो पीछे से ज्यादा बात मिलेगा नहीं, आदमी के यहाँ से ज्यादा बात जाएगा। इधर हर एक चीज बेचती है, मिलती है, हर एक चीज यहाँ से फरोख्त होती है ना। सुबह को आके देखना पुलिस वालों ने सभी को डंडे मारे, उन्होंने अपना बदला निकाला। आप जब बातें करते हो मीडिया ये पुलिस को आप जाते हैं, बाद में हमें मुसीबत होनी पड़ती है मसलन के। आप हमारे पास यार आप तो हंस के आप अपना बातें करके आप कर लेते हैं, घर में चले जाते हो, बाद में इन मारे बंदों को आके तंग करते हैं, कन्फ्यूज करते हैं। क्यों, किस वजह से? इनकी पैसा निकलेंगे उन्होंने कुछ नहीं कहेंगे, जिंदा को पैसा नहीं निकलेंगे उन्होंने डंडे मारेंगे पुलिस वाले। जिससे पैसे निकलेंगे उससे कितने पैसे लेते हैं? 100 भी लेके छोड़ देते हैं, 250 रुपए लेके छोड़ देते हैं पुलिस वाले, डंडे भी मारते हैं ऊपर से। रोजाना ऐसे सारे खुलड़े ने इन्हें कोई ना कोई 15 मर भी जाते हैं, 15 दिन के बाद कोई ना कोई बंदा मर जाता है। ये सामने खड़े होके ड्रग्स लगाते हैं और ये टीका इंजेक्शन लगाते हैं। एम्बुलेंस सर्विस बनानी और हमारा एक एम्बुलेंस सर्विस बनानी पड़ेगी जिसपे फोन करें आए एम्बुलेंस इन्हें पकड़ के ले जाए, ले जाके बंद करें अस्पताल में जब तक ये ठीक ना हो जाए, बाहर ना आने दें। एक बड़ा सेंटर जिस तरह कैंसर हॉस्पिटल बनाया है ना 500 बेडों का, उस तरह एक किराए पे ले ले हुकूमत, वहाँ इन सबको बंद कर ले, रोटी भी दे, खिलाए भी, इनको अंदर रखे, साफ सुथरा रखे, ताकि कम से कम ये सड़कों से। जैसे साहब ने इसका आज खुद लिया है, आप नहीं समझते कि उसमें ये चीज भी ऐड अप होनी चाहिए कि इनकी सेहत का फौरी बंदोबस्त किया जाए। इस पे एक चीफ सेक्रेटरी अगर के इलाज का पहले बंदोबस्त किया जाए, अगर चीफ सेक्रेटरी प्रोग्राम देख रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि एक बड़ी बिल्डिंग लें जिसमें कोई 500 बंदों की कैपेसिटी हो, उधर डॉक्टर्स 2-4। नेक्स्ट जब हम प्रोग्राम करने आएंगे तो इनमें से हो सकता है कुछ लोग अल्लाह के पास जा चुके हों बीमारी की वजह से, जाते रहेंगे मजीद इनकी जगह पे और बीमारी की वजह से। हाँ जी, वो ठीक है ना, जब उनको थोड़ा को एडिक्शन हो ताकि उनको इंजेक्शन ना ठीक है ना उसकी तबीयत ठीक होने वाला इंजेक्शन लगाया जाए। ये तो नहीं ना गुस्से में आके वो बेचारा तड़पे अपनी बीमारी की वजह से मुमतला हो तो डॉक्टर गुस्से में आने को से जहर का टीका लगा के मार दें, तो ये तो ऐसा भी करते हैं डॉक्टर लगा रहे हैं। वो देखो आगे जाए सामने देखें, वो दिखा सकते हैं आप इस वक्त भी लोग वहाँ आए मेरे साथ सारे आ जाए, आपको दिखाते हैं कि इस वक्त भी वहाँ लोग जो हैं वो आपको इंजेक्शन लगाते हुए दिखाई भी देंगे। ये आपके सामने सूरत हाल, ये आप देख सकते हैं लोगों की पूरी मंडलियां इधर बैठती हैं, पूरे ग्रुप्स बैठते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और उसके बाद वो अपना नशा जो है उसे बुझाने की कोशिश करते हैं। और ये नशे के आदी अफराद की तादाद जो है लाहौर में बहुत स्पीडली बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ गई। फाल भाई आपने देखा है कि बंदा जो है ना वो बेचने वाला भी यहाँ पे आया हुआ है, जैसे ही उसने कैमरा देखा वो वहाँ पे भाग गया। इनको पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, यहाँ पे पुलिस खड़ी हो जाए। सेफ सिटी वाले क्या कर रहे हैं, पकड़ सकते हैं
सेफ सिटी के भी कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ से भी उनको पकड़ा जा सकता है, लेकिन प्रायोरिटीज़ में उनकी प्रायोरिटीज़ में नहीं है। उनकी प्रायोरिटीज़ में है कि उन्होंने क्राइम को रोकथाम करनी है, ये प्रायोरिटीज़ अगर गवर्नमेंट उनको कहेगी तो फिर वो इस प्रायोरिटी में आ जाएंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर पुलिस वाले चाहे, आईजी चाहे, चीफ सेक्रेटरी चाहे, तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। जो बेचते हैं कैमरे लगे हुए हैं, आप उनको पिन पॉइंट करें, उनकी निशानदेही करें और फौरन फौरन आप आईजी के साथ करें उसके ऑफिस के अंदर, और दो चार नशाई भी साथ ले जाएं ताकि हमें भी शायद उसे ग्रेविटी का अंदाज़ा हो जाए। असल में मसला ये है कि पुलिस करे क्या, पुलिस को नहीं, साथ चीफ सेक्रेटरी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और आईजी दोनों मिलकर करेंगे। एक बड़ी बिल्डिंग लेंगे, उसमें इन सबको शिफ्ट कराएंगे, एम्बुलेंस सर्विस चलाएंगे, जिसमें तो हेल्थ का काम है ना, साथ हेल्थ डिपार्टमेंट भी मिलेगा, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी करेगा, सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर करेंगे तो ये होगा, वरना नहीं होना। ये इशू है, पुलिस इसको हाथ डालने को तैयार नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट को रखने को तैयार नहीं, इनके घर वाले भी इनको रखने के लिए तैयार नहीं, तो इनके पास यही गली कूची है, यही इनके पास कबाड़ खाने हैं, यही भी ये लोग सड़कों पर बैठेंगे, क्योंकि इनका हाल मुस्तकबिल यही है। 27 से ज्यादा मुकाम हैं जी लाहौर में जहाँ सारे ये घरों से भागे हुए चौक चौराहों और पार्कों में बैठ के नशा कर रहे हैं, और नशा करने के वजूहत भी अब डिफरेंट हो गई हैं। अपर क्लास के लोग क्रिस्टल आइस, हैश और कुकीन, एसटीसी वाले, और ये खवातीन भी हैं। मैं मुस्तफा साहब कैमरामैन जो है यहीं से थोड़ा जूम में चले जाएंगे तो आपको खवातीन भी इस वक्त नजर आएंगी, और लोग भी बैठे हैं, टीके टूके लग रहे हैं उधर। ये यहाँ सरेआम है, नॉर्मल बात है इधर। आप बहुत सारे शहरी जो हैं रोज़ इधर देखते हैं, बहुत सारे कंप्लेंट्स भी करते हैं, दुकानों वाले कंप्लेंट्स करते हैं, लेकिन मुतलका महकमे इस पर कोई ना नोटिस लेते नज़र आते हैं, ना कोई एक्शन लेते नज़र आते हैं, और अगर एक्शन लिया भी है तो चीफ जस्टिस साहब के आज खुद नोटिस में है, जिसमें हमारी ये दस्तबस्ता गुजारिश है कि इसमें फौरी तौर पर इनकी हेल्थ का बंदोबस्त अगर किया जाए, क्योंकि हम जब अगली दफ़ा प्रोग्राम करने आते हैं तो इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस दुनिया से कूच कर चुके होते हैं। नामालूम नाशे मिलने का सिलसिला लाहौर में बड़े पैमाने पर जारी है, और तकरीबन 52 प्रोग्राम तमाशा जो है लाहौर के चौक चौराहों से कर चुका है, सिर्फ एडिक्ट्स के ऊपर, नशे के आदि अफराद के ऊपर। जी मतलब सर, नामालूम लाशों की आपने बात की, जब ये मर जाते हैं यहाँ पे तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले इनको उठाते नहीं हैं, ईदी वाले लेके जाते हैं और कफन दफन का वही इंतजाम करते हैं, उसके बाद पाँच दिन इनकी लाशें पड़ी रहती हैं कि शायद इनकी शनाख्त हो जाए, कोई वर्षा भी नहीं आती इनको लेने के लिए, और उनको फिर वहाँ पे मियानी कब्रिस्तान में या किसी और कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है, और ये बहुत बड़ा अलमिया है, और इसके लिए गवर्नमेंट कोई भी जो इस तरह के इंतजाम नहीं करती। और दूसरा जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि मेरी एक लाहौर के एक आला अफसर से बात हुई, मैंने कहा आप इनकी सप्लाई लाइन रोक दें तो ये नशा रुक सकता है। उसने कहा कि ये हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है, हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे हमने इसको सप्लाई, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस या बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं बड़े मरूफ, वहाँ पे जो नौजवान नशा करते हैं हमने उनको रोकना है ताकि नौजवान नस्ल उसकी तरफ ना जाए। लेकिन उसमें भी उसने कहा कि जो दिक्कत आ रही है ना, वो सबसे ये आ रही है कि जो कॉलेजेस की इंतजामिया है वो पूरी तरह से तावन नहीं कर रही, उनके जो मुलाजमीन हैं वो हमारे वो मिले हुए हैं नशा बेचने में, वो मिले हुए हैं, और ख़ासतौर पर जो लड़कियाँ हैं वो भी जो है नशे का इस्तेमाल कर रही हैं, ख़ासतौर पर जो चर्स का जो सिगरेट है वो बड़ी। टाइम हमारे पास खत्म हो गया जी प्रोग्राम का, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सर ये चाहता हूँ कि हम गरीब हैं, हमारा इलाज करवा दे तो सबसे बेस्ट है। मैं तो चाहता हूँ कोई ऐसा खुदा का आदमी आए हमें दाखिल करवा दे, बस हम तो दुआएं। प्रायोरिटी पे इनकी अगर सेहत को रखा जाएगा तो हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। गुजार हुकूमत के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है, और टेस्ट ये है कि इनकी यहाँ पर फौरी तौर पर इन्हें हेल्थ एमरजेंसी नाफिज करते हुए लाहौर में 27 मुकामात पर जो नशे के आदि अफराद बैठते हैं उनकी फौरी तौर पर जो है तंदुरुस्ती और हिफाजत के लिए, उन्हें क्योर करने के लिए बंदोबस्त करना होगा, अदरवाइज़ ये लोग हमें मौजूद नहीं रहेंगे। और हमारी दस्तबस्ता गुजारिश है चीफ सेक्रेटरी साहब से भी, और जो आज खुद नोटिस लिया है सीजे साहब ने उसमें भी गुजारिश ये है कि इन अफराद की जो सेहत है उसको प्रायोरिटी पर रखा जाए, चूँकि इनके सेहत के मसाइल जो हैं वो इस कदर भयानक हो चुके हैं कि अब ये ज़िंदा रहना इनके लिए मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आखिरी सांसें ले रहे हैं, और इसी वजह लाहौर में नामालूम नाशे मिलने का सिलसिला जो है वो जारी है। फाहद शहबाज़ खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेकबान।